मेरे नज़दीक लड़कियों के लिए सबसे बेहतर पेशा या तो टीचर का है या डॉक्टर का। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि उनकी बच्चियां डॉक्टर बने, मगर मालूमात की कमी और सही गाइडेंस न मिलने की वजह से अपनी बच्चियों को डॉक्टर नहीं बना पाते और उनका ख्वाब पूरा नहीं हो पाता। सारे बच्चे नीट में इतना नंबर नहीं ला पाते कि बच्चों को सरकारी कॉलेज मिल जाए, इसलिए वो बाहर के ममालिक में अपने बच्चों और बच्चियों को मेडिकल के लिए भेजते हैं। शायद बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं कि ईरान में भी मेडिकल की तालीम बहुत अच्छी होती है। मेडिकल की तालीम के लिए मैंने ईरान का क्यों इंतखाब किया? सबसे पहली वजह यह थी कि ईरान एक मुस्लिम मुल्क है, वहाँ पर मुस्लिम माहौल मिलता है और सबसे बढ़कर वहाँ बच्चियों के लिए सेफ्टी बहुत है। हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान वगैरह की तरह औरतों के ख़िलाफ़ ईरान में आप क्राइम नहीं पाएंगे। वालदैन को अपनी बच्चियों की फ़िक्र होती है, उसके लिहाज से ईरान एक बेहतर बदील है। मगर हमें बाद में मालूम हुआ कि ईरान के बच्चे अपने मुल्क के इम्तिहान को पास करने का जो तनासब है उसमें वो बहुत आगे हैं। चुनांचे वहाँ के बच्चों के पास करने वालों का तनासब 85 से 90% है। ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। ईरान इसमें दूसरे नंबर पर है। ख़ासतौर पर ईरान की तेहरान और शिराज यूनिवर्सिटी के बच्चों में हिंदुस्तान के इम्तहान पास करने का तनासब 85 से 90% तक होता है। तो तालीम भी अच्छी और सेफ्टी भी, और साथ ही साथ मुस्लिम और इस्लामिक माहौल भी, इसलिए मेरा इंतखाब ईरान का था। जो वालदैन अपने बच्चों को ईरान में मेडिकल कराना चाहते हैं, उनके लिए पहली शर्त यह है कि उनके बच्चों को उर्दू आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ उनको फ़ारसी की तालीम दी जाएगी। 3 साल अंग्रेज़ी में पढ़ाई होगी, उसके बाद अस्पताल में प्रैक्टिस के लिए फ़ारसी की तालीम होती है। अगर उर्दू नहीं आती है तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जहां तक फ़ीस का ताल्लुक है तो 15 लाख से 30 लाख तक वहां फ़ीस ली जाती है। मैंने एक बार शिराज यूनिवर्सिटी से दरियाफ्त किया कि आप मुझे किसी ऐसे एजेंट का नाम बतलाएँ जिन पर यूनिवर्सिटी को भरोसा हो और जिनका रिकॉर्ड अच्छा रहा हो। तो मुझे कश्मीर के एक साहब जनाब मोहम्मद अशरफ अली साहब का नंबर दिया गया। तजर्बात से मालूम हुआ कि मौसूफ माशाल्लाह मामलात में बहुत साफ़ हैं, दूसरे एजेंटों की तरह झूठ नहीं बोलते, काबिल एतमाद हैं और सबसे बढ़कर यूनिवर्सिटी ने उनका रेफरेंस दिया है। मौसूफ के सेंटर का नाम मैनचेस्टर एजुकेशन है। ईरान का तजर्बा मेरा रहा है। मौसूफ बांग्लादेश और यूरोपीय ममालिक में भी मेडिकल की फील्ड में दाखिले करवाते हैं। जिन हजरात को अपने बच्चों को ईरान भेजना हो वो मौसूफ से राबता कर सकते हैं। मौसूफ का नंबर मैंने शेयर कर दिया है, 9596114562, ये व्हाट्सएप नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया।